सो हेलो फैमिली एंड वेलकम बैक अगैन टू अनदर व्लॉग ऑन माई चैनल। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मैंने एक सेरेमिक कप विद वार्मर कोस्टर ऑर्डर किया है। तो ये एक न्यू, आप कह सकते हैं, मतलब न्यू तो नहीं है बट मेरे लिए न्यू है। एक बेसिकली चाइनीज़ प्रोडक्ट है जो आपके कॉफ़ी अगर आप पीते हैं टेबल पे, आपने अगर घर पे वर्क फ्रॉम होम सेटअप कर रखा है तो वहाँ पे आपकी चीज़ों को गर्म रखने में हेल्प करती है ताकि आपकी कॉफ़ी ठंडी ना हो जाए। आप अगर गर्म पानी बार बार पीना चाहते हैं तो उसके लिए ये आपके लिए एक परफेक्ट सोल्यूशन हो सकता है। मैं अनबॉक्स करता हूँ और फिर आपको इसको यूज़ करना भी बताता हूँ कि इसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं और आपको ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहिए या नहीं, इसका भी मैं रिव्यू आपको दूंगा बिकॉज मैं भी आपके सामने ही पहली बार इसको यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पे इसको मैंने अनबॉक्स कर लिया है। अनबॉक्स करते ही आपको यहाँ पे पहले एक मग मिल जाता है, सेरेमिक मग यहाँ पे मिल जाता है। क्वांटिटी इसकी सही लग रही है। और दूसरी चीज़ जो आपको यहाँ पे मिल जाती है वो एक स्पून मिल जाती है और यू कैन से एक स्टरर मिल जाता है, साथ में इसकी एक लिड मिल जाती है और यहाँ पे एंड में आपको एक मिलता है कोस्टर या फिर जो आप कह सकते हैं हीटिंग पैड जिसके ऊपर रख के आपको एक कप रखना है। तो बेसिकली इसका लुक किस तरीके से आता है, बॉक्स साइड कर लेता हूँ। तो इसके लुक में बेसिकली सबसे पहले आपको ये वार्म पैड रखना है और इसके ऊपर ऐसे आप, मतलब ये तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे लगेगा कि ये बटन है बट असल में ये बटन नहीं है, ये बस एक, अब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये डिस्प्ले लाइट है जो बस इंडिकेट करेगी कि ये ऑन है या नहीं है। यहाँ पे हमको साथ ही साथ कप के नीचे आई थिंक ये सिर्फ डिज़ाइन के लिए ही है, तो यहाँ पे आपको कप के नीचे कुछ डिज़ाइन मिल जाता है सो दैट ये इसी लोकेशन पे स्टिक रहे, ज़्यादा मूव ना करे। तो हम यहाँ पे इसको रख देते हैं और इसके अंदर हम नॉर्मली जो इसकी टेस्टिंग करने वाले हैं, पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा शुगर डालेंगे और उसके ऊपर फिर वाटर डालेंगे सो दैट हम पता लगा पाएं कि हमारा पानी इसके अंदर नॉर्मली कितनी देर में गर्म हो रहा है सो दैट शुगर उसके अंदर डिजॉल्व हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इसका सेटअप कर लिया इलेक्ट्रिसिटी के साथ, अब मैं जैसे इसका प्लग ऑन करता हूँ देखते हैं। आई वॉज रिकॉर्डिंग वीडियो की, अगर फटेगा तो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाएगा। आई थिंक लाइट जली नहीं है तो आई थिंक वी शुड गो विद द बैक साइड ऑफ इट। तो इसके बैक साइड पे मेरे को एक बटन दिख रहा है, उस बटन को प्रेस कर लेते हैं एंड देन फिर से प्लग को ऑन करते हैं। ओके, तो बड़ी मेहनत के बाद जो मैंने एक चीज़ कंक्लूड करी है, बिकॉज क्या हो रहा है कि अगर मैं इसका पीछे से प्लग ऑन कर रहा था, बटन ऑन कर रहा था, तो पीछे एक बटन है, उस बटन को ऑन करने पे लाइट जल रही थी, ऑफ करने पे, मतलब बटन से हाथ हटाते ही वो लाइट हट रही थी, तो उस बटन का प्रेस होना ज़रूरी था। देन आई केम टू नो कि जब तक ये कप इसके ऊपर पड़ा रहेगा, आप देख सकते हैं बिकॉज उस पर प्रेशर पड़ना है, उस पर जो भी बटन है उसको दबा होना चाहिए, तो जब तक ये कप इस पे पड़ा रहेगा, ये मग इस पे पड़ा रहेगा, लाइट जलती रहेगी विच मीन्स इट इज़ इन प्रोग्रेस। तो अभी इसका इतना वेट नहीं है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा अपना मटेरियल डाल देते हैं। ये कॉन्सेप्ट मेरे को थोड़ा सही नहीं लगा बिकॉज लाइक हम बटन का प्रेस होना इज इन द इंडिकेशन कि हाँ काम कर रहा है। एक बार हमने प्लग ऑन कर दिया तो इट शुड बी ऑन ओनली, बट ठीक है एक बार ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसके अंदर पूरा पानी भर दिया है तो आप देख सकते हैं अब इसकी लाइट जो है वो थोड़ी कांस्टेंट है बिकॉज आगे वो प्रेस हो रही है। अब मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ, आप कह सकते हैं 1/4 ऑफ अ टेबल स्पून बिकॉज इसका साइज बहुत छोटा है। तो हम शुगर इसलिए डाल रहे हैं सो दैट हम देख सकें कि ये कितनी देर में मेल्ट होती है। और इसको अब हम ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो मैं आपको इसका रिव्यू बताता हूँ कि कितनी देर में ये गर्म होगा, अभी मैं टाइमर लगाता हूँ एंड देन मैं वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। ओके, सो आई एम रिज्यूमिंग दिस आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ इट बीइंग हीटेड। तो इसको एक बार हटा के देखते हैं शुगर का क्या स्टेटस है एंड देन फिर उसके बाद पानी का स्टेटस बताते हैं। तो अगर मैं आपको जूम इन करके बताऊँ, यहाँ पे शुगर के क्रिस्टल्स तो प्रेजेंट नहीं है, इट मीन्स नीचे से गर्म तो हो रहा है बट लेट मी चेक कि पानी कितना गर्म हुआ है। तो बेसिकली पानी गर्म 10 मिनट के अंदर, जितना मतलब एक गैस पे हो सकता है या फिर जितना मेरे को उम्मीद थी कि हाँ भाई हम इलेक्ट्रिसिटी अपनी कंज्यूम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से गर्म नहीं हुआ है
बेसिकली इसका पर्पस मेरे को ये लगता है कि अगर आपकी चीज़ कोई गर्म है, फॉर एग्जांपल आपकी कॉफ़ी गर्म है, टेबल पे है, तो वो गर्म को गर्म रखने के लिए है, ना कि ठंडी कॉफ़ी को या फिर पानी को उबालने का पर्पस है इसका। तो आप इस हीटर को टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। बाकी आपके ऊपर है कि आपको इसको परचेज करना है या नहीं करना है, बट द पर्पस दैट आई अंडरस्टूड इज कि हाँ, जो आपका टेम्परेचर है, जो आपका कॉफ़ी है, जो आपका लेमन टी है, ग्रीन टी है, उसके गर्म पानी पीना है, तो आप पहले गर्म करके रखो एंड देन इसके ऊपर रखो, सो दैट इसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो यही था यार इसका ऑनेस्ट रिव्यू। मैं अभी इसका बटन बंद कर देता हूँ बिकॉज अभी तो मेरे को इसकी नीड नहीं है गर्म पानी की। और हाँ, एक और चीज़, यहाँ पे अगर हम टच करते हैं तो यहाँ वाला सरफेस जो है, यहाँ वाला सरफेस गर्म है, इट मीन्स नीचे से ये हीटिंग कर रहा है, बट स्टिल ये कि एक सेरामिक कप है तो इसके अंदर हीट अंदर तक पहुंचने में टाइम लगेगा। सो दैट इज़ अ रीज़न कि आप इसके अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए रख सकते हैं। मिलता हूँ आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए प्रोडक्ट के साथ, किसी नए व्लॉग के साथ, जहाँ पे हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ नया रिव्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।